I wish all the best to the whole team over here. But before that, before we proceed further, I would like to call upon Sikhara on stage. Please come forward. हाँ जी, सर हमने तो आपके भी काफी किस्से सुने हैं, गाने सुने हैं, इन्हें कैसे जाने दें, है ना? So, आपका जो एक्चुअल रैप है या आप जो भी आपका इस वक्त मूड है, so please go for it. Firstly, I'd like to thank everybody for having me here. Manish for giving this song. That is Manish. Yeah. Oh yeah. Okay. So Manish, thank you for having me on this song. It's so great to see that producers and directors are giving us the opportunity to, you know, this genre to be out and about. Because rap as a genre has always been soiled and tainted and never really, you know, had that kind of exposure. So thank you for that. And what do you want me to sing now? I sing the Tagabaza only. Yeah. Coming in the garbage, so acha nahi the right track, nisha na galat. Kya hai ye halat? Bara hoiti, choiti, super cruiser. Main kaun tu ko? Excuse me sir. Aha, acha. Kya hai? Mind up about the song also. But yeah, thank you so much. Thank you. And that was really amazing. Thank you so much for entertaining us. And now I'd like to call upon Mrs. Regina on stage. Please put your hands together for Regina. रजीना जी की एक और जोरदार तालियां हो जाए। साबिर भाई हमारे बीच में हैं। सौम्य जी आप एक मिनट आइएगा। साबिर उस्ताद खान साहब कुछ दो शब्द ब्लेसिंग के तौर पे कुछ कहें आप। यार इतना कुछ हो गया और सबसे पहले तो मैं आप सबकी तरफ से शायद भाई को मुबारकबाद देना चाहूंगा क्योंकि इनका पहला गाना मेरे अब्बा के साथ उस्ताद सुल्तान खान साहब के साथ में था, मौसम फिल्म, और वो एक गाना नहीं था, वो एक ब्लेसिंग था इनको भी और मुझे भी। और वो अब्बा का लास्ट गाना था और हमारी शुरुआत थी। तो शायद भाई को मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। इनको जब भी सुनता हूँ यकीन करें कि एक म्यूजिशियन के तौर पे, एक कलाकार की हैसियत से मैं इन्हें बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। और मैं यही दुआ करता हूँ कि इन्होंने जैसे कहा कि गलत कहा कि इनको लोग जानते नहीं हैं, यकीन करें कि इस वक्त लोग इन्हें ही जानते हैं। और शायद मारिया कोई छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री में और हम सब जानते हैं उस नाम को। बस ऐसी और ये तो सिर्फ शुरुआत है, मेरे को लगता है शायद भाई और भी कुछ बहुत बाकी है, टेलो में पिक्चर भी बाकी है। उसमें सुल्तान खान साहब ने गाया भी था और साबिर भाई ने उसके साथ भी बजाई थी। तो साबिर भाई के पिताजी सुल्तान खान साहब महान संगीतकार और सारंगी वादक थे और आज भी हमारे दिलों में वो हमेशा हैं। तो साबिर भाई आए तो सुल्तान खान साहब खुद आ गए आशीर्वाद देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में सोम्या जी हैं, सोम्या टंडन भाभी जी घर पे नहीं आज, भाभी जी आज बाहर हैं और इस स्टेज पे हैं।
तो मैं चाहूंगा कि वो अपने दो शब्द हमें हम साझे करें। क्या बोलनी थी मैं सिर्फ यही कहूंगी कि शहर जी, मैं आपकी आवाज की बहुत बड़ी कदरदान हूँ और इतनी रूहानी आपकी आवाज है, इतनी खूबसूरत आपकी आवाज है। और जब हम कुछ ही दिनों पहले हम एक दूसरे को हमने जाना, और कभी कभी जब मैं मेकअप करते करते आपके गाने सुनती हूँ तो मैं आपको लिखती हूँ कि आज मैं आपका राधर मैं अपना फेवरेट गाना सुन रही हूँ, एक कुड़ी, वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। और आपकी आवाज़ में देखिए, गायक तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन आपकी आवाज़ में कुछ ब्लेसिंग है, मुझे ऐसा लगता है। और इतनी खूबसूरत आवाज़ है कि चाहे गाना आपने अब एक ग्रूवी नंबर गाया है, लेकिन आप जब कोई भी रोमांटिक या कोई भी किस्म का गाना गाते हैं उसमें चार चांद लग जाते हैं। तो आपकी आवाज़ में ये दुआ, ये ब्लेसिंग, ये रोशनी ऐसे ही रहे हमेशा, और हम आपके हमेशा ही कदरदान रहेंगे। बहुत 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 बधाई आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो सो मच। आपने आकर चार चांद लगा दिए, पांचवा हो गया एक्चुअली, पांच चांद हो गए। थैंक यू सो मच। तो हमारे बीच में नीता जी आई, नीता जी आप दो मिनट स्टेज पे आ सकते हैं तो अच्छी बात है, आप वैसे बहुत कम बोलती हैं। नीता जी अपना परिचय खुद देगी क्योंकि मैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ। आइए प्लीज। सो कांग्रेचुलेशन शाहिद, आई एम बेसिकली अ चक्रा काउंसलर। सो व्हाट आई वुड लाइक टू से अबाउट दिस इज आई लव शाहिद इन दिस न्यू अवतार। वैसे मुझे लगता है यू आर सो डिसेंट, मेरा जो इंप्रेशन है आप वैसे भी बहुत डिसेंट हो, और आपने जो दगाबाजा वैसा डांस भी किया है और इस थीम पे आपने गाना गाया है। सो आई थिंक इट इज वंडरफुल एंड every person should try to expand his boundaries and change his genre. So I'm sure you also enjoyed this experience. So just now I was talking to your wife and I was pleasantly surprised that it is a birthday today. So you have chosen this date. So I think we should all wish her, please come. Unko bulaiye and we all should wish her today. It's a special day. Allah, please come. Please come. आपकी इतनी खूबसूरत बेबी है, उनको तो आपको स्टेज पे हमेशा लाने ही चाहिए। जन्मदिन है तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। तो आप सब आए हैं तो प्लीज खाना खा के जाना, या फिर खाने पीने का इंतजाम है तो प्लीज कोई ऐसे मत जाना। आप सब से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, खाना रेडी है, मैं पी के रेडी हूँ। मैं इनके लिए गाना गाता हूँ। मौसम के आजाद परिंदे हाथों में है उसके, या वो बहारों सी है, सर्दी की वो धूप के जैसी गर्मी की शाम है, पहली बहारों सी है, मेरे प्यार का मौसम भी है, लगे मेरी महरम भी है, जाने क्या क्या तो आंखों में मैं पड़ गया और अब मैं तो मर गया, शबा मुझे कर गया कोई दिल में काबू कर गया और इश्क दिल में भर गया, आँखों में बोला को गला कर गया और मन तो मर गया, शदाई मुझे कर गया। So beautiful. Thank you so much and thank you so much man for being over here and sharing your kind words. हाँ जी शाहिद जी, आप हाँ जी हाँ जी आप यही रहे। एंड आई वुड लाइक टू आल्सो कॉल अपॉन करिश्मा शर्मा ऑन स्टेज एंड प्लीज कैन वी हैव आवर डायरेक्टर मनीष कुमार एंड आवर म्यूजिशियन मिस्टर मनीष सिन्हा ऑन स्टेज एंड कैन वी हैव आल्सो डियर सिक्वेरा फॉर द क्यूए। And also can we have our assistant Ashok Kanchari on stage?
तो मेरा और मनीष जी का यही था सोचना कि इस गाने के अंदर कुछ मतलब सैड गाना साइलेंस ऑन द बैक पेज यस थैंक यू तो आज की दुनिया में लोग इतने सैड हैं परेशान हैं लेकिन वो सैड सॉन्ग सुन के और ज़्यादा सैड हो जाते हैं और वो सैड वर्ड सुन के और ज़्यादा तू गई जुदाई ये वो तू कहाँ है तो वो म्यूज़िक से और ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और ज़्यादा सैड हो जाते हैं तो हमने सोचा कि इसमें अंदर थोड़ा सा बीट डाल दें ऐसे गाने और भी हुए हैं तो मैंने कहा इस गाने को हम लोग ट्रीट ऐसा करेंगे मनीष जी ने और मैं डिसाइड किया कि इस पर लोग मतलब रोते रोते डांस करें तो हमने ये सोचा कि इसको ऐसा कुछ बनाया जाए कि जिसमें लोग इन्जॉय भी करें उनका स्ट्रेस भी कम हो और सैड को वो इन्जॉय भी कर पाए मरी जी आप बताइए इसके बारे में जी देखिए जो भी आजकल का एक ट्रेंड है जिस भी तरीके से हर ओके अभी तो हम हर तरह का प्रमोशन इसके लिए करेंगे जो भी ऐप लगेगा वील गो फॉर इट जैसे आपने कहा इन्फ्लुएंसर और भी दूसरे तरह सोशल मीडिया पे वील गो फुल ऑन ऑन इट एंड वी वांट टू आप लोग तो हैं बस आप लोग का साथ रहेगा तो डेफिनेटली ये गाना बहुत आगे चलेगा On like everybody has I think a reel on that song so I think the next one should be on Dagabaz yes it was a lot of fun shooting with him and I thought he's a very serious person but if you get to know him he is actually a very very funny person and he did make me feel you know because I've always worked with an actor so working with a singer it was really nice and inhone mujhe throughout the song bahut hasaya hai so he's a very funny person you all should know that ye gaate bhi hai aur bahut sare jokes bhi marte hain gaane ka video hai wo kya wo story kya depict karta hai at the end agar aap batana हमने ये सोचा कि इसको एक फनी सॉन्ग और फन मोमेंट क्रिएट करने के लिए सुपर फन क्रिएट करने के लिए तो उसके लिए हमने मोस्टली जो वो डांस जो स्टेप्स थे उस पर हमने फोकस किया उसमें एक केमिस्ट्री है जो एक दोनों कैरेक्टर अलग अलग है एक ने धोखा दिया एक ने धोखा खाया बट बोथ आर हैविंग फन तो वैसे हमने एक वो फन क्रिएट करने की कोशिश किया है कि पूरे सॉन्ग में वो एक फन मोमेंट बना रहे हैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मुझे पता चल गया कि मेरे अंदर एक डांसर है और उसको मैं बताता जब हमने सोचा कि ये डांस सॉन्ग है तो आई थॉट कि ही इज अ सिंगर ही इज नॉट डांसर तो स्टेप को इजीली कराना बहुत ही मुश्किल था बट ही इज़ अ वेरी ग्रेट परफॉर्मर और बहुत ईजिली उन्होंने पिक किया सीट पे बहुत ही अच्छे से उन्होंने इसको परफॉर्म किया एज यू कैन सी इन द सॉन्ग सो इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस I was always sure that he is going to do it well. ये इनका सपोर्ट प्यार है बिल्कुल भी नहीं नो नो आई एम टेलिंग यू आई एम एन एक्टर ही वाज अ वेरी गुड डांसर मैं जब स्टेप करी थी मैंने कहा ओ माय गॉड मैं कर पाऊंगी इनके साथ अरे वाह साथ ही सर आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट पैनोरामा म्यूजिक अब पैनोरामा म्यूजिक जो है इट्स एकदम न्यूलेस प्लेटफॉर्म फॉर द म्यूजिक तो इन म्यूजिक इंडस्ट्री क्या होता है इट हैज बीन वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक द टू लीडिंग डोमिनेंट लेबल्स जो कि हैं तो व्हाट इज द सर्वाइवल प्लान फॉर द
लेवल राइट नाउ एंड कैसे कुछ काम करना और आने वाले टाइम में कैसे कुछ गाने देखने को मिल सकते हैं? अनिश जी, एक्चुअली क्या है कि द मेन थिंग दैट they are very good in their marketing, they are very fierce marketing and I like that. मुझे ये बहुत अच्छा लगा तो straight away I went to them. हमने decide ही किया था कि we'll go to them क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे. हम भी और बहुत सारी चीज़ें इनके साथ लेके आने की planning कर रहे हैं and they are actually good at it. मेरे हिसाब से आज के दौर में बहुत ही ओपन है मार्केट बहुत ज़्यादा, तो गाना अच्छा हो, कंटेंट अच्छा हो और थोड़ी सी मेहनत टीम लगा दे तो फिर वो किसी भी लेवल से आए वो जगह बना लेता अपनी. ऐसे बहुत सारे गाने के एग्जांपल्स हैं मेरे पास कि आप उनके लेवल ढूंढते रह जाओगे लेकिन वो गाने बड़े हिट हैं. तो So I know a lot of people who are in the independent space because me myself have come from an independent space because again the genre was not as much, but now that it is snowballing we can see that a lot of artists and labels are collaborating and getting big. So yeah, I think creating like unfiltered platforms for artists is going to be the next big thing and the thing. गाइज अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो प्लीज़ कन्फेशन देखना या प्लीज़ कैन वी हैव साइलेंस. कन्फेशन अभी मेरा गाना आया है मीट ब्रोस के साथ, सो प्लीज़ वॉच दैट. एंड देयर इज अनदर वन दैट आई एम शूटिंग टुमारो इन अमृतसर, सो गाने की तो वॉच आर एंड मे बी आई डू अनदर वन विथ हिम इंशाल्लाह सून जल्दी. मैसेज मैं दूंगा अभी एक महीने तक सिर्फ हमारा गाना सुनना आप लोग प्लीज. कोई गाना मत सुनना प्लीज, इस गाने को बार बार सुनना. गलती हो तो भी बताना, अच्छा हो तो भी बताना और अपना सारा प्यार हमें दे देना. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. गाने के लिए कॉन्सेप्ट तो हर कदम पे है बिकॉज यहाँ पे लोग जितने यकीन वाले हैं उतने ही दगाबाज भी हैं, तो पता नहीं चलता कौन दगा दे रहा है. साथ में होता है वो लेकिन वो दे जाता है एक दिन दगा. हमने भी दगा दिया हुआ किसी को, हो सकता है इसलिए हमें दगा मिल रहा है. तो बस ये इंसिडेंट उठाते हैं हम दुनिया से और बहुत सारे एप्लीकेशन हैं हम लोग स्क्रोल करते हैं तो लोगों के दुख से भी दुख हो जाता है, तो वहीं से कहीं से आ गया ये. मैंने कहा यार इस पे कुछ करते हैं लेकिन लोगों को रुलाना नहीं है इस बार, हंसते हंसते इस चीज़ को सेलिब्रेट कर. हमारे राइटर अशोक पंजाबी जी हैं तो हम लोग ऐसे ही किसी टॉपिक पे बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि यार जावेद दगा मतन दगा देना नहीं आया. ठीक है यार इस लाइन पर गाना डेवलप करते हैं, ये गाना लाइन बड़ी अच्छी लग रही है. तो वही ना कि बातें करते करते कहीं ना चीज़ें निकल जाती हैं, तो जो पंजाबी जी के कलम से निकला है ये. रियलिटी शोज के मेरे को बहुत कॉल आते हैं बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि वो मेरे मैं उसमें फिट होती हूँ, मेरी तबीयत के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि आई एम द राइट पर्सन फॉर दोज शोज. सो नो
बता पाऊंगी आपको क्योंकि अभी मैंने उसकी शूटिंग शुरू नहीं की। अभी सर मेरा अभी ब्लडी डैडी में एक गाना आने वाला है, शाहिद कपूर उनकी फिल्म है जो अली जफर ने डायरेक्ट किया है, और भी प्रीतम डा के साथ कुछ गाने हैं, अमित त्रिवेदी जी के साथ कुछ गाने हैं, तो वो जैसे आएंगे तो पता चलेंगे। ये वाला जी बिल्कुल दगाबाजा तो आप सुनेंगे, कौन सा गाना सुनेंगे? इकुड़ी सुना, ठीक है जी। मेरा फेवरेट गाना गा रहे हैं शायद, सोमन जी का फेवरेट गाना और शिव कुमार बटाली जी का लिखा हुआ और मेरा गाया हुआ। सूरत उस दी परियां वर्गी, सीरत दी ओ मरियम लगदी, हसदी है ता फुल चढ़दे ने, तुरदी है ता गजल है लगदी, एक कुड़ी जिदा ना मोहब्बत। थैंक यू, थैंक्स डांस बिल्कुल नहीं आता जी मुझे, मैं कोरियोग्राफर को थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने इतना मुझे चढ़ा दिया कि मुझे डांस करना पड़ा, और बाद में पता चला कि वो अच्छा हो गया। तो डांस तो अंदर है, निकलता नहीं है बाहर। मुझे तो बहुत मज़ा आया, बिकॉज मैं नर्वस तो था शुरू में, रिहर्सल में एक दो बार नर्वस था मैं, बट बाद में धीरे धीरे सब लोगों की हूटिंग और सब लोगों के सपोर्ट की वजह से गलती से सही हो गया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।